इतने सारे हॉकर हो गए यहाँ पे कि मतलब पैसेंजर्स से ज़्यादा हॉकर है देखो चारों ओर। कॉलेज तक तो पहुंच गए हैं, अभी चलो अंदर जाते हैं, होपफुली क्लास और नहीं धर पाऊंगा क्योंकि राइट 12 बज रहा है। तो जी भाई पोपट होना था देखो, क्या और बोलूँ, तो यहाँ मेरे साथ ऐसा होता है। अंदर जाते हैं चलो। साथ मुलाकात हो गया पर साइंस का कुछ क्लास नहीं होगा, सुन रहा हूँ पोपट हो गया, क्या बोलूँ। तो सुबह का खाने में है मस्त डूमूर का सब्जी, इसमें ये भाई कूटने में बहुत समय लगता है, मम्मी सुबह उठकर कर दिया और उस तरफ रोटी बना रहा है, पापा बेल रहा है, तो हैट्स ऑफ टू देम। आज गए सुबह से लेट उठा हुआ, अभी 8:50 हो रहा है, अभी जल्दी से खाकर नहाटा लेकर जल्दी से जाता हूँ चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 9:30 से 16 आज थोड़ा सा लेट करके जा रहा हूँ और मैं सुबह उठकर मस्त खा दा कर शैम्पू टेम्पू कर मस्त नहा लिया, तो अभी जाऊंगा कॉलेज में। आज है सेकेंड डे मेरा, परसों गया था, कल नहीं गया था, कल थोड़ा सा शरीर बुरा लग रहा था। तो मेरा क्लास है 11:30 से, पर रेगुलरली भाई मतलब कैजुअली क्लास होता है 10:30 से, जिन सबका बंगाली और इंग्लिश में मेजर है उन सबका क्लास है, पर मेरा तो नहीं है, मेरा है बोटानी में ऑनर्स, बोटानी में मेजर क्लास 11:30 से होता है, तो उसी थोड़ा सा लेट करके जा रहा हूँ। अभी चलो जाते हैं, देखते हैं ट्रेन धरते बातों के, और पापा जा रहे हैं गांव में तो मुझे छोड़कर गांव में चले जाएगा, तो चलो जाते हैं। आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल सनलाइट है, तो चलो जाते हैं अभी। आज भाई इतना सनलाइट है कैसे जाऊँ सोचता हूँ। क्या पश्चिम बड़ा क्लब का बूथ का बैंडेड, चलो तो मैं जब ऐसे जाता हूँ ना टोपी नहीं पहनता क्योंकि हेयर ड्रायर का काम करता है। इतना ज़्यादा गर्मी है कि मेरा दिमाग भाई जल जा रहा है, तो पापा को मैंने अभी छोड़ के आया, तो अभी चलो अकेले जाते हैं। तो टोटो स्टैंड इस तरफ आ गया हूँ, अभी चलो टिकट काटता है। तो यार मुझे ना लगता है कि स्टूडेंट का भाई टिकट नहीं काटता है, पर मैं तो नहीं जानता, तो और मेरा स्टूडेंट कार्ड भी नहीं है, तो उसी लिए मैं काट के ही जाऊँगा और उसके बाद दोस्तों के पास से सुन के उसके बाद से। मैंने ऐसे भाई ट्रेन का टिकट काट के आया, तो वो बोल रहा है कि 10:28 में है, अभी 10:03 हो रहा है, तो होपफुली मुझे वेट करना पड़ता क्योंकि बाहर लोकल ऐसे बाहर लोकल या फिर शियाल तक कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पोपट हो गया क्या बोलूँ। तो यहाँ फिर देखो सब बैठा है होपफुली, तो मैं उस पार चला जाता हूँ और ट्रेन में ऑलरेडी बैठा रहता हूँ, तो चलो। तो अभी ट्रेन तो आ रहा है मतलब, और जो ट्रेन है वो दो प्लेटफॉर्म से जाएगा, तो ये वाला है, तो चलो जाकर बैठता हूँ। तो मैं ये वाला में उठता हूँ, चलो एक क्या बोलूँ, वो जो विंडो सीट खाली है तो इसमें उठिए चलो। तो ये कुछ सिचुएशन है, मैं उस पर बैठा हूँ। तो ट्रेन तो भाई बिल्कुल न्यू है, तो उठ तो गया हूँ अभी बैठ के, चलो फुली 1 घंटा 40 मिनट समय लगेगा। तो या ट्रेन तो भाई यार 10 मिनट के अंदर छोड़ देगा, तो या कुछ ऐसा सिचुएशन है। और जो बोलो बोनगा लोकल में बहुत हॉकर उठता है, तो या इतना सारा हॉकर हो गया यहाँ पे कि मतलब पैसेंजर से ज्यादा हॉकर है देखो चारों ओर। बज के 32 में ट्रेन छाड़ा है अभी बहुत लेट करके, 28 में छाड़ने के बाद था, तो यहाँ चलो। हो जाओ
तो निशा का दोस्त के साथ मुलाकात हो गया, तो चलो निशा का तो शादी हो गया, क्या करूँ। तो चलो अभी भी समय 30 मिनट्स का गोबरडंगा में आया था। निशा मतलब हमारे गांव का उधर का एक लड़की के साथ मुलाकात हो गया, तो चलो अच्छा ही हुआ। वो भी कॉलेज में पढ़ता है, तो यार ज़्यादातर सबका ही भाई शादी हो जाता है, क्या ही बोलूँ। चल क्राउड तो भाई हो रहा है, तभी वो पूरी नमने पड़ेगा। चलो यार तो पूरे से बात ही है बाहर शाद पर। तो जो भी हो करके नाम तो गया बहुत ही, मतलब बारशद में अगर ही सबसे ज़्यादा नाम था है। तो चलो अभी जाते हैं ओवरब्रिज क्रॉस करके, लेट तो हो गया तो टोटो से ही जाऊंगा। तो चलो अभी स्टेशन तक तो आ गए हैं, तो टोटो से ही जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया, होपफुली क्लास नहीं धर पाऊंगा। तो चलो क्योंकि 12 बजने गया है, 11:30 से क्लास था। पोपट मेरे साथ ही होना था, ट्रेन भाई लेट करा और हो गया लेट। भाई हेड सर से मुलाकात हो गया, मतलब प्रिंसिपल सर सामने है। प्रिंसिपल सर भी भाई सेम मैं ट्रेन से आया, तो अभी टोटो में तो बैठ गया हूँ, होपफुली आज क्लास नहीं धर पाऊंगा। 12 बजे में 10 मिनट्स बाकी है, तो प्रिंसिपल साहब के साथ मुलाकात हो गया था। तो चलो भी जाते हैं। कॉलेज तक तो पहुंच गए हैं, अभी चलो अंदर जाते हैं, होपफुली क्लास और नहीं धर पाऊंगा क्योंकि राइट 12 बज रहा है। तो चलो जी भाई पोपट होना था, देखो क्या और बोलूं, तो यार मेरे साथ ऐसा होता है। अंदर जाते हैं चलो। सुराज चले अच्छीस के साथ मुलाकात हो गया, पर साइंस का कुछ क्लास नहीं होगा सुन रहा हूँ, पोपट हो गया क्या बोलूं। और सूरज भाई अभी मोबाइल दिखा रहा है, सूरज दिखाओ मोटो का। वाव मैं इतना रिच नहीं हूँ भाई। अभी गाइस कॉलेज में अगर बहुत बड़ा पोपट हो गया है, तो मैं कैंटीन का उस तरफ जा रहा हूँ। बेसिकली सूरज ने मुझे अभी दिखाया कि साइंस डिपार्टमेंट में कोई भी क्लास नहीं होगा, तो मैं जो सब्जेक्ट चूज करना था ना, सब दोस्तों के पास जाकर सुन के आता हूँ चलो क्या क्या बातचीत है। वो तो चला गया बाहर, क्या काम है उसका, तो हाँ चलो मैं भी ऊपर जाता हूँ। तो मैं भी कैंटीन के इस तरफ आ गया हूँ, तो चलो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठते हैं। तो यार चलो भाई लाइन की वजह समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, बहुत भीड़ है। तो यार भाई इतना लाइन की वजह समझ नहीं पा रहा हूँ, होपफुली वो जो सब्जेक्ट सबमिशन था ना उसी लिए इतना लाइन है। तो मैं ऊपर तला में जाता हूँ। चलो सिस्टम करके आया और जान रहा हूँ कि क्लास ही नहीं होगा, क्या बोलूं। बोटानी डिपार्टमेंट क्लासरूम में ना क्लास हो रहा है, आई थिंक सेमेस्टर 2 या फिर 3 आई डोंट नो, पर सेमेस्टर 1 में साइंस ग्रुप में जियोग्राफी भी इंक्लूडेड है, कि जियोग्राफी साइंस का ही सब्जेक्ट, बोटानी केमिस्ट्री जियोलॉजी फिजिक्स मैथ कोई भी क्लास नहीं होगा। एक दिया है मैंने, नहीं दिया देखा सूरज ने मुझे अभी बोला, मतलब क्या पोपट। तो सूरज चला गया अभी, तो कहा गया आई डोंट नो, बट मैं अभी क्या करूँ समझ नहीं पा। तो इस तरफ तो जा रहा हूँ, मुझे ना वो जो सब्जेक्ट चूज़ करना था वो फुली एक बोटानी डिपार्टमेंट का एक मैम के पास से पूछना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि पूछ के आता हूँ। फिर देखो सब केमिस्ट्री का सब सिलेंडर, ये होपफुली कोई केमिस्ट्री लैब है। तो या फिर गैस टैंक क्या कर रहा है भाई, अगर ये फट जाए तो क्या होगा। मैंने कैसा मशीन है, और ज़्यादातर सब रूम ही देखो लॉक करा हुआ है। तो चलो तो मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ आज, होपफुली नहीं आने से अच्छा होता। तो क्लास कुछ भी नहीं हो रहा है, जो सूरज ने बोला एक नोटिस दिया है ग्रुप में, जो ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ, तो उसके लिए अभी टीचर्स के पास जो सब प्रोफेसर है उनके पास सुनता हूँ जाकर कुछ ये सब सब्जेक्ट के बारे में, और जो जो लाइन में खड़ा है उन सब के पास भी थोड़ा सुन के क्या करूँगा वही जानकर चला था, क्योंकि साइंस के एक भी क्लास नहीं होगा तो फालतू होगा। और अभी मैंने
शाहरिया का पास से सुना कि वो कंप्यूटर क्लास करने आएगा, तो यहाँ शाहरिया मेरा दोस्त वो कंप्यूटर क्लास करने आएगा 2 बजे, मतलब क्या पोपट। স্যার বলছিলাম ওই সাবজেক্টের বিষয়ে যেটা বলছিলাম যে আমাদের সাবজেক্টের ব্যাপার তোমার নিচে অফিসে যোগাযোগ করতে হবে, কারণ ব্যাপারে আমার স্কলারশিপ ডিপার্টমেন্ট। তুমি নি হিস্ট্রিতে অনার্স তাই তো ফার্স্ট সেমিস্টার, তাহলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা তুই এইচএস পর্যন্ত পড়িসনি, হ্যাঁ তোরা পল সায়েন্স পড়িসনি, ফিলোসফি পড়িসনি, এই দুটো সংস্কৃত পড়িসনি, এই কিছুর মধ্যে নেই। আচ্ছা যা নিচে গিয়ে কথা বল। পোস্টারগুলো মানে সাইজ কেমন হবে পেজের? 2 ফিট ভাই। আচ্ছা কি ওয়াটার কালার নাকি এনিথিং? আচ্ছা আচ্ছা কাল নাও আসতে পারি, তো আমার নামটা নিয়ে নিতে পারে। ১২+৩=১৫, আর ১০ নম্বর হচ্ছে এই এক্সটার্নালের যে পরীক্ষা সেটা তোর কোয়েশ্চন পেপারে লেখা আছে। আমি তোমার